नमस्कार दोस्तों, ई इनवॉइस के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन नंबर 10/2023 इशू की गई, जिसमें कहा गया कि 1 अगस्त 2023 से जिन लोगों की भी टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ या उससे ज्यादा एक्सीड हो चुकी है फ्रॉम दी 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 के बाद से किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर आपकी जो एग्रीगेट टर्नओवर है 5 करोड़ या उससे ज्यादा हो चुकी है, तो ऐसे में आपको 1 अगस्त 2023 से ई इनवॉइस इशू करना, जनरेट करना मैंडेटरी है। तो अब अगर आप कोई भी सप्लाई कर रहे हैं, आपके केस में ई इनवॉइस एप्लीकेबल है, तो B2B सप्लाई के केस में ई इनवॉइस जनरेट करना मैंडेटरी है। B2C सप्लाई के केस में जहां पर जो बायर है, जो रेसिपिएंट है, वहां पर ई इनवॉइस जनरेट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब बात आई बींग ए सप्लायर, एज ए सप्लायर आप गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आप जो सप्लाई कर रहे हैं उस पर रेसिपिएंट को टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट है। सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 जो बात करता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की, वहां पर जो रेसिपिएंट है, जो बायर है, वो अपनी टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज करेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। लेकिन एज ए सेलर, एज ए सप्लायर, मैंने कोई सप्लाई की और मेरे ऊपर ई इनवॉइस एप्लीकेबल है, तो ये जो सप्लाई है जहां पर बायर टैक्स पे करेगा, रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा, एज ए सप्लायर मुझे टैक्स पे नहीं करना है। तो अब ई इनवॉइस के रिगार्डिंग क्या प्रोविजन है, क्या मुझे इस सप्लाई के लिए भी ई इनवॉइस जनरेट करना है या फिर नहीं? तो इस केस में बताया गया है कि बीइंग ए सप्लायर, अगर आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत भी कोई सप्लाई कर रहे हैं, मीन जहां पर बायर टैक्स पे करेगा, रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा, एज ए सप्लायर आपको टैक्स पे करने की लायबिलिटी नहीं है, तो भी आपको इनवॉइसिंग के रिगार्डिंग जितने भी प्रोविजंस दिए गए हैं वो सभी कंप्लाई करने होंगे, फुलफिल करने होंगे। तो ऐसे में यहां पर आपको ई इनवॉइसिंग के रिगार्डिंग भी कंप्लायंस करना होगा। इट मींस अगर आपने जो सप्लाई की है वो B2B सप्लाई है, भले ही वो रिवर्स चार्ज सप्लाई है जहां पर रेसिपिएंट या बायर टैक्स भरेगा, पे करेगा, लेकिन उसके बावजूद भी एज ए सप्लायर आपको ई इनवॉइस जनरेट करना होगा। इफ द इनवॉइस इशूड बाय द नोटिफाइड पर्सन इज इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज मेड बाय हिम बट अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3, ई इनवॉइसिंग इज एप्लीकेबल। तो एज ए सप्लायर, एज ए सेलर, आप गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वो गुड्स, वो सर्विसेज सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 में फॉल करती है, और जो बायर है, जो रेसिपिएंट है, वो GST लॉ में रजिस्टर्ड है, तो ये एक B2B सप्लाई हो जाती है। तो ऐसे में आपको बींग ए सप्लायर ई इनवॉइस जनरेट करना होगा। लेकिन अगर जो बायर है, जो रेसिपिएंट है, वो GST लॉ में रजिस्टर्ड नहीं है, तो ऐसे में वो एक B2C सप्लाई हो जाती है, और उस केस में जो है आपको यहां पर ई इनवॉइस जनरेट करने की लायबिलिटी नहीं है। लेकिन सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 की अगर हम बात करें, जहां पर अगर आप अनरजिस्टर्ड सप्लायर से कोई गुड्स या सर्विसेज परचेज करते हैं, तो ऐसे में जो है जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसको टैक्स पे करना होता है। तो सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 की अगर हम बात करें, तो वहां पर हमेशा वो एक B2C सप्लाई होगी। उस केस में ना ही तो सप्लायर ई इनवॉइस जनरेट करेगा, क्योंकि वो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, और ना ही रेसिपिएंट जो है ई इनवॉइस जनरेट करेगा, क्योंकि ये एक B2C सप्लाई है, और B2C सप्लाई के केस में ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं होता। तो ध्यान रखना है, बींग ए सप्लायर अगर आप किसी भी गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं और ऐसे में वो एक रिवर्स चार्ज सप्लाई है, रेसिपिएंट या बायर को उस पर टैक्स पे करना है, तो भले ही टैक्स लायबिलिटी पे करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बायर पर है, रेसिपिएंट पर है, लेकिन एज ए सप्लायर आपको ई इनवॉइस यहां पर जनरेट करना होगा। इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी एक आर्टिकल जो है हम अपने टेलीग्राम चैनल पर जो है अपलोड कर चुके हैं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप सीखना चाहते हैं इनकम टैक्स, GST, TDS, ESIC, EPF। तो ऐसे में आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है जहां पर बहुत सारे अच्छे कोर्सेज आपको प्रोवाइड किए गए हैं। इसके अलावा अगर आप डेली टैक्स अपडेट्स पाना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि फेसबुक है, ट्विटर है, वहां पर आप हमारे साथ कनेक्ट रह सकते हैं। आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। देखते रहिए, लाइक करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।